हाँ तो देवयानी जी, जैसा कि आपने कहा कि आपको अपने पति की असलियत शादी के कुछ सालों बाद ही पता चल गई थी और आपकी शादी को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो यानी कि काफी अरसे से आपको अपने पति की हकीकत मालूम से जी। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि इतने लंबे अरसे से अपने पति की असलियत जानने के बाद भी आप चुप रही हैं। भाई, आपके जैसी मॉडर्न भारतीय नारी इतने सालों तक चुपचाप सब कुछ क्यों बर्दाश्त करते रहे? क्योंकि उस वक्त मेरे बच्चे छोटे थे, वो ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाते। छोटे छोटे बच्चे थे। आई एम सॉरी मिलॉर्ड भाई, आपने सुनिया कि इन्होंने कहा कि बच्चे छोटे थे है? भाई जहां तक मन ने पता से आपके बच्चे काफी बड़े से, बल्कि इनमें से दो की तो शादी भी हो चुकी से, और अब तक तो उन दोनों के बच्चे हो जाने चाहिए थे छोटे छोटे। यानी कि काफी अरसे पहले आपके बच्चे भी इतने बड़े हो चुके थे कि वो खुद को संभाल सकते, फिर भी क्यों आपने तलाक का जिक्र पहले नहीं किया? क्यों आप इतने लंबे समय तक चुप रही? क्यों आपने पहले अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया? एक औरत का दर्द कोई नहीं समझ सकता, इतना आसान नहीं। तब तो और भी जरूरी था आपके लिए उन्हें वार्न करना कि उनका बाप कितना जालिम है, फिर भी आप चुप रहे हैं मिसेस जाकर। क्योंकि तब तक जो कुछ भी हो रहा था वो मेरे घर के चौखट के बाहर हो रहा था, लेकिन जिस दिन वो गंदगी मेरे घर के अंदर आई, तब मुझे आवाज उठानी पड़ी। एक मिनट, किस गंदगी की बात कर रही हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं भाई, जरा खुल के बताइए ना। बताइए मिसेज जाकड़, अदालत आपके जवाब का इंतजार कर रही से। अरे बोल लो सर, फॉर्मेलिटी की क्या बात से? सही कह रहे थे वो, गलती मेरी है, बहुत पहले मुझे बच्चों को बता देना चाहिए था, मैं नहीं बता सकी क्योंकि मैं कमजोर थी। आज भी मैं कमजोर हूं, इसलिए उत्तरा का नाम नहीं ले सकी मैं, जैसे कि गलती उसकी नहीं मेरी है। बस ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, यही तो वो चाहते हैं, इमोशनल लेवल पर आपको वीक करना चाहते हैं ताकि आप टूट जाएं। लेकिन आपको टूटना नहीं है मम्मी, बिल्कुल नहीं, आपको स्ट्रांग रहना है, और आप कमजोर नहीं है। हम जानते हैं आप चुप क्यों थी, इतने साल आपने ये सब झेला है, थोड़े दिन और से, लेकिन हार बिल्कुल नहीं मानेगी हम, उनको जीतने नहीं देंगे हम। प्रिया इज राइट, We were prepared for this. Don't worry, जीत सच्चाई की होगी। के बाद से जनाब, आज तो आप छा गए, अपोजिशन की तो धज्जियां उड़ा के रख दी आपने। सपने में भी नहीं सोचा था कि आप अपना केस खुद लड़ोगे। यही तो तरकीब से वर्मा, ऐसे केस में वकील का कमीना होना बहुत जरूरी है, और मारे ते ज्यादा होनहार कमीना भला और कोई हो सके? मानना पड़ेगा जनाब, उनके हर वार का जवाब था आपके पास। बस जो ही मजा से एक एक करके दुश्मन के सारे तीर खराब कर दो और फिर अपने तीर छोड़ो, दुश्मन चारों खाने चित। और एक समझदारी करी आपने, जो उत्तरा को अपनी ओर कर लिया, वरना ये केस मुश्किल हो जाता आपके लिए। अरे तू हमारी घराड़ी को नहीं जानता वर्मा, वो बहुत ही अच्छी लोग, बहुत ही बड़ी इमोशनल फूल्स है, जाना था वो अपनी बहन की इज्जत कदे नहीं छाड़ना दी, और अगर शुभांकर की बात तुम आया कि वो ऐसा कर भी लेती
तो साबित कैसे करती? सबूत तो चाहिए था ना। लव इज ब्लाइंड, इन्हें लव कहां पे आ गया? कानून अंधा हो वैसे, सबूत मांगे है। और जनाब, हम तो वो से जो सबूत मिटाने और पैदा करने का दम राखे से।